ग्राम शहजादपुरा पंचायत के द्वारा आने वाला नीमखेड़ा तिगड्डा पे जहां करीब 400 लोग बसे हैं जो पिछले 14-15 सालों से यहां रह रहे हैं और आज तक इन्हें बिजली का कोई भी साधन नहीं ऐसा मिल पाया है, क्योंकि इनके पास इस ज़मीन का ना तो कोई नाम है और ना ही इस गांव इस ज़मीन को किसी गांव का नाम दिया गया है। और अटल ज्योति अभियान के द्वारा चलने वाली योजना जिसमें हर घर में उजाला हो ऐसा प्रावधान होने के बाद भी इस बस्ती नीमन तिगड्डा के लोग आज भी पिछले 15 सालों से अंधेरे में जी रहे हैं और अंधेरे में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अभी आप लोग कैसे उजियारा करते हैं? डिब्बी लेते हैं, 2 लीटर तेल मिलते हैं महीना भर में और 15 दिन जलती है और महीना भर में तेल नहीं होती है। तो आप लोग फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? बत्ती के उजियारे करते हैं और उजियारे में रोटी बनाते हैं। आपने इसके लिए कोई कोशिश की? कोशिश तो करी थी हमने कम से कम 1-1.5 साल पहले। उस समय पे पद पे शायद ठाकरे साहब आते और ये जो इस साइड के बीट मेंबर हैं वर्मा साहब वो भी थे उस समय पे। हमने शिकायत करी, सभी बातें करी, लेकिन उनने हमें बता दी कि तुम अपने स्थाई ले आओ, जहाँ तुम रह रहे होते कोई कागज ले आओ, परिचय पत्र ले आओ, हमारे पास नहीं है तेरे स्थाई। पहले आपके यहाँ पर बिजली की क्या समस्या थी? बहुत समस्या खराब आती, अंधेरे में डाले थे लड़का वाले बच्चे और पढ़ लिखने पागते अंधेरे में लोगारियों के उजियारा पढ़ लिख पागते और कछु ने दिखाते अंधेरे में डाय रहते। अब क्या सुविधा मिली है बिजली की? अच्छी सुविधा मिली है बिजली की, हो गई बिजली। अभी आपने क्या क्या बिजली की वजह से क्या क्या आपकी दुकान में सुविधा होगी? बस यही फ्रिज रखा और क्या है। इसके लिए आप लोगों ने क्या कोशिश की? बहुत कोशिश की, दम होगा बाटिया गिर गए, इसके बाद बिजली लग गई। कितना समय लग गया आप लोगों को? हो गया महीना बिजली लगे। हाँ। और आप लोग कोशिश कब से कर रहे हैं? कोशिश बहुत से कुल साल से है, 16 हो गई जब से कर रहा कोशिश। आरती लुआ गई थी दमो सो जहाँ जहाँ भी लुआ गई सो हम ठाणे हो गए। हम अपनों बत का करा गया भी उनने बता दी फर जाने जाने ढिकाने जाने जाने तो हम अपने चले गए। उनने काम करवा दो, बिजली हो गई, पानी पंगल सब हो गया। तो आज आपको कैसा लग रहा है आपके बच्चे उजारे में हैं? हाँ, अच्छे लग रहा है, लाइट लग गई सो अच्छे लग रहा है कि बच्चे बैठा तोटा सब पढ़ लिख रहा है बच्चे। इसी गांव के आदिवासी महिलाओं की कोशिश से यहां इतना बड़ा बदलाव आया है कि 140 परिवार जो आदिवासी अंधेरे में थे आज उन्हें बिजली प्राप्त हुई है। और आज मैं ही नहीं ये सभी ग्रामवासी भी खुश हैं। आरती वाल्मीकि ग्राम निमंतीगड्डा शहजादपुरा पंचायत ब्लॉक बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से इंडिया अनहार्ट के लिए।